यूपी में आज सुबह 7 बजे पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग शुरू हुई। मतदान शुरू होते ही पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें लग गई। शाम 6 बजे तक करीब 56% वोटिंग हुई। इसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि कई स्थानों पर मतदाताओं की लाइनें लगी हुई थी। मतदान के दौरान प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से एसपी उम्मीदवार गुलशन यादव ने राजा भैया समर्थकों पर उनकी गाड़ी को निशाना बनाए जाने के आरोप लगाए हैं। गुलशन यादव की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ भी हुई। सपा समर्थकों ने राजा भैया समर्थकों पर एक दर्जन बूथ पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया है। कुंडा में हुए बवाल को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि शीशे तोड़ने से हौसले नहीं तोड़े जा सकते, कुंडा अब गुलशन से ही गुलशन होगा। राजा की गुंडागर्दी बंद होगी। कुंडा में माइक्रो ऑब्जर्वर की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। तनाव को देखते हुए कुंडा में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। दूसरी ओर अमेठी में भी हंगामे की खबरें हैं। अमेठी के धोरहरा गांव में बूथ पर सीआरपीएफ जवान के साथ भी टकराव की खबरें हैं। प्रयागराज में कई स्थानों पर बीजेपी और सपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाल लिया। शाम तक सबसे ज्यादा मतदान चित्रकूट में हुआ है। यहाँ करीब 63% मतदान हुआ है। इसके अलावा अयोध्या में 60%, अमेठी में 55%, कौशाम्बी में 59%, गोंडा में 57%, प्रयागराज में 53% वोटिंग हुई। इसके अलावा बहराइच में 58%, बाराबंकी में 57%, सुल्तानपुर में 57%, रायबरेली में 59%, श्रावस्ती में 60% मतदान हुआ। प्रतापगढ़ में सबसे कम 52% वोटिंग की खबर है।